खान की रपट में ढहने से गिरे डंपर और चालक के शव को 36 घंटे की मशक्कत के बाद आखिर शनिवार सुबह करीब 7 बजे निकाल लिया गया। मलबे में दबने से डंपर ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे का पता चलने पर गुरुवार रात को पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सिविल डिफेंस की मदद से बचाव कार्य शुरू किया गया। पोकलेन और जेसीबी की मदद से शनिवार सुबह रात कार्य पूरा कर लिया गया। जानकारी के अनुसार नसीराबाद के निकटवर्ती गांव रामसर के पास गुरुवार रात करीब 7:30 बजे बन्नालाल नामक व्यक्ति की खान की रपट में एक डंपर खड़ा था। डंपर को खान की रपट में ऊपर लाने के लिए चालक नाथूलाल गुर्जर स्टार्टर करने के लिए ड्राइवर सीट पर बैठा था। इस दौरान अचानक खान की रपट नीचे की ओर ढह गई, जिससे डंपर ड्राइवर नाथू भी डंपर से खान में गिर गया, मलबा भी ढह गया। सदर थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और नसीराबाद सी ओ विजय साकला भी पहुंच गए। मौके पर अंधेरा होने के कारण लाइटों की व्यवस्था की गई और रात भर राहत कार्य चलाया। शुक्रवार को दिन भर व रात को भी राहत कार्य चला। शनिवार सुबह चालक का शव भी बाहर निकाल लिया गया, उसे अस्पताल के मोर्चे पर पाया। सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। कब सूचना मिली थी और किस तरीके का रेस्क्यू किया है? सर 29 तारीख को शाम को 7 बजे के लगभग ईओसी कंट्रोल रूम में नसीराबाद सदर थाने से फोन आया कि रामसर के अंदर एक खान है, उसके अंदर डंपर लेंथ लाइन होने की वजह से दब गया। तो हमारी टीम तुरंत मौके पर वहाँ पहुँची और रेस्क्यू कार्य स्टार्ट किया। 36 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद में बहुत मुश्किल से, मतलब रात को 1:30 बजे डंपर दिखाई दिया, फिर सारी खुदाई हाथों से स्टार्ट की और सुबह 6:30 बजे बॉडी को बाहर सकुशल बाहर निकाल दिया। कौन था और कहाँ का रहने वाला था? ये नाथूलाल गुर्जर था, ये ग्राम देवलिया का। पिता का नाम सनोब नारायण लाल गुर्जर और उम्र लगभग 27 साल थी सर। तो अब क्या कंडीशन है? सर वो डेट हो गया सर अंदर। रेस्क्यू सफल हो गया? हाँ रेस्क्यू सफल हो गया सर। निकाल लिया? हाँ निकाल लिया गया। और खान लगभग 100-125 फीट गहराई में थी और उसके अंदर 40-50 फुट मलबा गिरा हुआ था ऊपर। कोई कारण सामने आया? सर कारण वो डंपर चट्टान रह गई और डंपर नीचे से जा रहा था भराई करने के लिए, जो ऊपर से चट्टान दे नहीं वजह दब गया सर। आपका नाम? मैं नाम प्रेम सिंह रावत, समस्त सिविल डिफेंस टीम अजमेर।